हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लक्ष्मी ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज है 17 नवंबर 2021 और आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले महीने शादी में गई थी। तो मैंने वहाँ जो शादी की जो वीडियो है, एक दो जहाँ हम गए थे, मतलब बारात लेके, वहाँ की वीडियो है मेरे पास, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो वीडियो है त्रिजुगी नारायण की और आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा वहाँ की वीडियो शेयर कर रही हूँ। मंदिर की भी है मेरे पास एक छोटी सी वीडियो, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना और क्लिक करना, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो दोस्तों जो ये वीडियो है वो त्रिजुगी नारायण की है और मंदिर की है, शादी की भी है एक छोटी सी वीडियो। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि मैं हम लोग, मतलब जो बारात है वो कहाँ से और किस तरह गई, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलो चलते देखते हैं कहाँ से कहाँ बारात गई। और दोस्तों यहाँ त्रिजुगी नारायण का मंदिर है, ये यहीं बारात गई थी। और आप लोग जानते होंगे यहाँ पे माता पार्वती का और शिव जी की शादी हुई थी, त्रिजुगी नारायण इसी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहीं वहीं बारात गई थी। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की जयमाला हो गई है, जयमाला हो रही है यहाँ पे। तो यहीं बारात गई थी और ये कहाँ कहाँ से गई थी मैं वो सभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग वीडियो के साथ बने रहना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन कौन से रास्ते से होके त्रिजुगी नारायण बारात पहुंची। तो यहाँ पे उनके जो दोस्त हैं उन्होंने दूल्हा और दुल्हन का खूब स्वागत किया। और अब सभी उसकी, मतलब दुल्हन की फ्रेंड दुल्हन को पूछ रही है और दूल्हे की बहन भी गई थी अपने भाई को रुमाल देने के लिए। तो यहाँ पे ये भी दूल्हे का भाई है। तो यहाँ पे खूब सारा फॉग ओढ़ेल दिया, फॉग ही बोलूँगी मैं। तो ऐसा होता है जब जयमाला होती है, तो ये सभी जगह होता है और हमारे पहाड़ों में भी होता है ये। तो यहाँ पे खूब सारा ओढ़ेल दिया था। तो दोस्तों ये देखो रास्ता मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ से ये ऐसे, मतलब ये रास्ता है आपका, ये गोपेश्वर से जाता है ये ऊपर मंडल बोलते हैं ना, वहाँ से जाता है ये जाता है केदारनाथ के लिए। तो ये वाली रोड से गई थी बारात, गोपेश्वर के ऊपर मंडल से होके गई थी बारात त्रिजुगी नारायण। तो मैं आप लोगों को वहाँ का व्यू भी दिखा रही हूँ। व्यू तो बहुत सुंदर है पर लेकिन काफ़ी दूर है मतलब जहाँ से बारात गई काफ़ी दूर है त्रिजुगी नारायण। तो यहाँ पे ये गाड़ी वाला आया था, ये हरियाणा से आया और पूछ रहा था कि मतलब कितने, मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो क्या कितने में किलोमीटर चल पाएगी मेरी गाड़ी। तो यही पूछ रहा था यहाँ पे हरियाणा से, ये मतलब यहाँ यात्रा के लिए आ रखे ये लोग। और यहाँ पे ये देखो आप देख रहे होंगे कैसे पेड़ हैं, कैसा व्यू है यहाँ का, आप लोग इसका एंजॉय और लुत्फ़ ले लीजिए। मैंने ये वीडियो बना रखी है।
और आगे अच्छे अच्छे नज़ारे दिखने को मिलेंगे आपको, तो वीडियो के साथ बने रहना। और अब गाड़ी काफ़ी आगे चली गई थी, और ऐसे ऐसा रास्ता है यहाँ पे। मैं आपको मंदाकिनी नदी भी दिखाऊंगी, तो आप लोग देखना। तो यहाँ से ये गाड़ी जा रही है और धूप भी छुपने वाली है, आप लोग देख रहे होंगे उधर थोड़ी सी धूप रह रखी है। तो ऐसा रास्ता था यहाँ जाने के लिए, रास्ता तो बहुत अच्छा था, मतलब रोड बहुत अच्छी थी, और ये धूप भी छुपने वाली है, तो नज़दीक पहुंचने वाले हैं। ये देखो ये मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे यहाँ से सड़क जाती है, और ये पुल है यहाँ पे। तो मतलब व्यू तो बहुत अच्छा था, लेकिन दूर काफ़ी था, मतलब कि दूर हो गया, काफ़ी दूर हो गया। तो ये देखो यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ मैं, और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। ये नदी है, मंदाकिनी नदी है ये। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बाय।